नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम फिर उपस्थित हैं एक नए अंक के साथ मैं हूं आपके साथ रानी किसान भाइयों हमारी जो किसान कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आप तक हम पहुंचा पाएं उनकी जानकारी आप तक पहुंचा पाए यही हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य होता है बस इसी बात को लेकर हमने आज का अपना है अंक सजाया है डी द्वारा संचालित कल्याणकारी किसान की क्या योजनाएं हैं इसी विषय पर पूरी जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर आर यादव जी को जो स्टेट हेड है आई भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में धन्यवाद आई है क्या इसका क्या काम है इसके बारे में हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे ही कहा है कि इसका नाम जरा सी किसानों के नाम पे जवान पे आता नहीं है जी। तो अगर इसको हम उस तरीके से देखें कि आई एफ एफ डी सी इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट एक संस्था है इसका जी। पूरा नाम है जी। एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है जो कि पर्यावरण विकास में काम कर रही है जी। और इस संस्था का जो गठन किया गया है वो इफको द्वारा किया गया है सारे किसान भाई इफको का नाम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जी। क्योंकि इफको किसानों के साथ रची मिली है किसानों का भरोसा है जी। उसी भरोसे को देखते हुए इफको ने यह सोचा कि जो हमारे भूमहीन और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं और जो जमीन बंजर पड़ी है उन दोनों का समावेश कैसे किया जाए जी। और उस समावेश से दोनों को फायदा हो जमीन भी हमारी सुधरे और पर्यावरण सुधरे और हमारे जो गरीब जो लोग हैं और जो भूमि है ना उनको एक संबल मिले उनको एक रोजगार का साधन मिले उनको एक काम करने का अवसर मिले इस उद्देश्य को लेकर के संस्था बनाई गई थी सर आपने उ जल जंगल और जमीन की बात अपन बचाने की कर रहे इफको इसमें किस तरह से सहभागिता देती है क्योंकि ये सारे कार्यक्रम को मूर्त रूप करने के लिए इफको ने ही अपना सारा योगदान दिया जी और चूंकि इफको, किसानों की एक सहकारी संस्था है खाद बनाने की संस्था है उसके साथ साथ हमारा एक सामाजिक दायित्व भी भी बन जाता है कि जो पर्यावरण के साथ साथ हम जल का भी का संरक्षण करें जमीन बचाएं और हमारे जो किसान भाई हैं उनका भी हम उनकी आय का संवर्धन भी करें इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के ये सारा कार्यक्रम चलाया गया प्रारंभ में ये एक परियोजना के तौर पर कार्यक्रम शुरू किया गया था और मध्य प्रदेश में सागर जिले में जमीन देखी गई कि वहाँ काफी मात्रा में बंजर जमीन उपलब्ध थी जिसमें कोई काम नहीं हो रहा था तो सरकार के साथ मिलकर के उस जमीन को पर्यावरण के विकास करने के लिए किया गया प्रारंभ में हमने पांच समितियों का गठन किया गया जिनको हम बानकी समितियाँ कहते हैं प्राथमिक प्रक्षेत्र बानकी सहकारी समितियाँ कहा गया और उनके जो सदस्य बने वो क्षेत्र के जो निर्धन वर्ग के लोग थे जो भूमिहीन थे जो महिलाएं थी उनको उनके कार्यक्रम से जोड़ा गया आप जिस तरह बता रहे हैं जमीन के काम किए हमने महिलाओं के लिए काम किए तो आई जो है वो प्रोजेक्ट किस तरह से अपने संचालित करती किस आधार पे बनाती है देखिए सबसे पहले जो कि परियोजना जो बनाई जाती है की आवश्यकता क्या है और संसाधनों की उपलब्धता अगर हम कहते हैं कि हमें पर्यावरण पर काम करना है पर्यावरण विकास के लिए हमें जमीन चाहिए जी। जी। अगर जहाँ जमीन की उपलब्धता है फिर उसके बाद लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए हम अपनी परियोजनाएं बनाते हैं और उनका जो क्रियान्वयन एक बात में और आपको कह दू की जो परियोजनाएं हम लोग बनाते हैं उसमें ग्रामीणों की सहभागिता को बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जाता है इफको में तो वैसे भी बहुत विश्वास है लोगों का तो बहुत अच्छे से जुड़ते हैं तो आई इसमें बहुत अच्छे से काम कर पाता होगा मैं आपसे ये, ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो संस्था है जैसे कि किसान की जो हमारी इफको संस्था है वो किसानों के द्वारा बनाई हुई है उनके द्वारा समर्थित है और उनकी ही संस्था है उसी तरह से उसी भाव को लेते हुए हमने हर पल हर एक कार्यक्रम में ग्रामीणों की सहभागिता को सुनिश्चित किया है और सहभागिता ही नहीं की हम बात कर रहे थे तो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को और संवर्धित करने के लिए क्या कार्यक्रम कर रही आयोग मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश में हमने जब से काम करना शुरू किया तो करीब छह हजार हेक्टेयर जमीन पर इस पौधारोपण का काम किया गया और ये जो सारा कार्यक्रम के समितियों के माध्यम से किया गया वर्तमान में ये कार्यक्रम सागर के सागर टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में किया गया है और कोशिश ये हुई कि जहाँ भी जमीन मिली और वहां के गांव के लोगों का सहयोग मिला हमने वहाँ सहकारी समिति प्राथमिक सहकारी समिति बनाई हाँ। और उनको उपलब्ध उपलब्ध धन कराया इफको के द्वारा बहुत सारा आर्थिक मदद की गई और आज ये समितियाँ मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी की बात हो रही है जी। कि बहुत अच्छा प्रभाव मध्य प्रदेश में डाला है और बहुत सारे वन विभाग के अधिकारी कृषि विभाग के अधिकारी शासन के अधिकारियों ने इन कार्यक्रम को सराहा है सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी और जो हमारे गरीब किसान है, किसान हैं हैं छोटे उनकी नहीं। नहीं। बहुत अच्छी भागीदारी आई है जल की बात अगर हम करते हैं तो जल को संरक्षित करना उसका उपयोग करना और उसका सही तरीके से समुचित व्यवस्थित करना इसके लिए क्या काम है देखिए सही कह रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर में पानी आता है सुबह एक टाइम पानी आता है तो उस पानी को हम 24 घंटे के लिए भर करके अपने बर्तनों में रख लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं है क्योंकि बरसात महीने और अब तो और धीरे-धीरे बरसात कम होती जा रही है। तो हमारे पास पानी को संग्रहित करने के कोई साधन नहीं, नहीं हमने कहा कि अगर इस पानी के जो बरसात हमें प्रकृति ने दिया है उसका अगर हम संरक्षण कर लेते हैं उसके लिए हमें बर्तन बनाने पड़ेंगे तो हमने दो चीजें उसमें लाने की कोशिश की एक तो ये था कि जो हमारा पानी बह करके जा रहा था और जो पानी बहता है बहुत तेजी से तो हमारी जो जमीन की उपजाऊ मिट्टी है उसको काट के ले जाता है जिससे हमारी जो जमीन की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही है तो हमने पहले तो ये कहा कि जो हमारी पानी की गति है उसको हम कम करें हम लोग उसको जब जल संरक्षण कहते हैं तो उसको कहते हैं वाटर वॉक करते हैं तो पानी को चलाना है पानी को दौड़ाना नहीं है उसके लिए विभिन्न गतिविधियां होती है जिसमें हम लोग कंट्रोल ट्रेंस बनाते हैं और उसमें टेंच बनाते हैं और खंती खोदते हैं तो उससे क्या होता है कि जो जो पानी बहुत तेजी से जो जा रहा था वो उसकी गति धीमी हो जाती है और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाता रहता है एक बार जब हम उस पानी की गति को धीमा कर लेते हैं फिर जहाँ नीचे वाले एरिया में जहाँ पानी को हम रोक सकते हैं वहाँ हम तालाब बनाते हैं चेक डैम बनाते हैं फार्म बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा जो पानी मिल रहा है उसको हम अधिक से अधिक आप सत प्रतिशत पानी की वर्षा जल को नहीं रोक सकते हैं हुँ, हुँ, लेकिन कोशिश ये होती है कि आप अधिक से अधिक पानी को रोक लेंगे तो ये जो आपका भंडारण है जो पानी का जो रुकाव कर लिया है वो आपकी आगे वाली आने वाली फसलों में काम आता है हम जल संरक्षण के बारे में आपसे आगे भी बात करेंगे लेकिन कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का बस अभी उपस्थित हुए अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी स्वतन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है ही? अच्छा ये बात है क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी एफ की नामरू फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता अंतराल के बाद फिर स्वागत है आपका कृषि दर्शन के कार्यक्रम में आज हमारा विषय है आईएफएफडीसी की किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर आरपीएस यादव जी सर हम बात कर रहे थे जल संरक्षण की और आईएफएफडीसी से बात की जल संरक्षण के लिए क्या प्रोजेक्ट किए गए हैं और कितनी सफलता मिली आ, है इससे हमने जो जल संरक्षण में काम किया गया मध्य प्रदेश के सागर छिंदवाड़ा जिले में हमारी बहुत सफल पूर्वक हमने वाटर सेट योजना की, की गई जिसमें करीब चार हजार हेक्टर पर हमने काम किया गया और इनके लिए जो सहयोग मिला नाबार्ड के द्वारा सहयोग मिला नाबार्ड के माध्यम से महिलाओं के विकास के लिए और पर्यावरण विकास के लिए प्लस जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारा सुर्खी करैया एक वाटर सेट हमने काम किया सागर ज़िले में उसको राष्ट्र भोपाल राज्य स्तर पर उसको सम्मानित किया गया अच्छे काम करने के लिए और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि के काम में अगर अगर महिलाएं भागीदारी नहीं बनी नहीं। या वहां की जो स्थानीय जनता भागीदारी नहीं बनी तो ऐसे काम का कोई महत्व नहीं रह जाता नहीं। है।, नहीं। 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 है तो इन कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे काम किए गए और एक और बात बता दें कि हम जहाँ भी काम करते हैं तो पहले हम लोगों से श्रमदान कराते हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम हमारा नहीं होता ये कार्यक्रम गांव के लोगों का होता है उनके लिए होता है क्योंकि जब तक उनकी ये भावना नहीं आएगी कि ये कार्यक्रम मेरा है वो खुद उससे जुड़ते हैं जुड़ते तो उनको नहीं लगता है। हाँ। कि हमारा काम हो रहा है हमारे घर का काम हो रहा है आपने जितनी अच्छी जानकारी दी जल के लिए बताई जंगल के लिए बताई पर्यावरण के लिए बताई कृषि आधारित जो काम है ये तो ये भी जरूरी होते हैं कि उन्हें किस तरह से हम कृषक हैं जो उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं तो आई इसके लिए क्या काम कर रहा है अभी देखिए हमारा क्योंकि हमारी जो यात्रा थी किसानों के कल्याण के लिए पर्यावरण जल संरक्षण महिला विकास गरीब मजदूर किसानों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने का था लेकिन ये देखा गया कि बहुत सारी हमारे जो किसान भाई हैं उनको अच्छी गुणवत्ता की बीज न मिलने के कारण और क्योंकि आप देखते हैं कि क्या बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। हमने अभी इस काम को अपने हाथ में लिया है क्योंकि बीज अगर अच्छा होगा तो आपका जो कृषि का उत्पादन है वो अच्छा होगा बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने एक हमारे जो माननीय प्रबंध निदेशक इफको के हैं डॉक्टर यूएस अवस्थी साहब उनका ये कहना था वो हमेशा किसानों के बारे में सोचते रहते हैं उन्होंने कहा कि अगर मैंने अच्छा खाद दे दिया अगर बीज अच्छा नहीं है तो हमारा जो किसान है उसका उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो उन, उनकी प्रेरणा से और किसानों की जो आवश्यकता थी उसको लेकर के हमने बीज उत्पादन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में शुरू किया और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले चार सालों में हमने इस पर काफी धीरे धीरे प्रयास किया है और इस साल करीब हमने बीस हजार क्विंटल गेहूं का प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीज हमने किसानों को वितरण किया बहुत बढ़िया बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी कि अच्छी गुणवत्ता का अगर बीज भी चाहिए है तो वो यहाँ आई एफ के माध्यम से ले सकते हैं जी एक और अच्छी बात क्योंकि बीज उत्पादन में हमने जो बीज उत्पादन कर रहे हैं वो किसानों के खेत पर कर रहे हैं और उनकी भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि अगर जिस क्षेत्र में जो बीज उत्पादन किया जा रहा है अगर कोई बीज उत, जो बीज दूसरे क्षेत्र में बिकेगा और हम ये कहेंगे कि इस उस क्षेत्र से आ रहा है तो उन किसानों को एक उनको आ, ऐसे जोड़ा जाता है कि भाई अगर कोई किसी भी तरह की कमी होती है तो आपके क्षेत्र की आपकी बदनामी होगी और किसानों के साथ मिलकर के पूरी सहभागिता उसमें जोड़ी जाती है आपने ये बात जो बताई हमें बीज उत्पादन की बताई अब धीरे धीरे जो कृषि का व्यवसाय है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रगति कर रहा है अब हमारे नए बच्चे हैं नई युवा पीढ़ी है वो भी इसमें आना चाहती है है तो क्या क्या रोजगार प्रशिक्षण की भी क्या हमारे प्रबंध कर रही है? जी हमने देखिए विशेष तौर से जो रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हमने महिलाओं युवा महिलाओं उनको जो कि उनको आगे बढ़ाना क्योंकि जो जो युवा है जो पुरुष युवा है वो तो उसकी वो मूवमेंट करता है वो इधर से उधर जाकर के अपने अवसर तलाशता है लेकिन में आप देखेंगे कि महिलाएं अपने इधर से उधर नहीं जाती हैं नहीं तो हमने प्रयास किया जिसमें उत्पादन का है सिलाई है उत्पादन का किया गया तो जहाँ जिस तरह की क्षमताएं हैं उस तरह के कार्यक्रम महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं और उनके साथ साथ उनको वित्त पोषण भी किया जा रहा है क्योंकि अगर मैंने ट्रेनिंग ले ली और मेरे पास संसाधन नहीं है तो कार्यक्रम को कैसे बढ़ाऊंगा उस तरह के भी द्वारा प्रयास किया जा रहे हैं तो वित्तीय सहायता के माध्यम से भी हम महिलाओं को और रोजगार को हम आगे बढ़ा रहे हैं आपने जिस तरह से बात बताई है और हम बात सुन रहे हैं आपकी तो कार्यक्रमों की हमें एक अच्छी श्रृंखला पता चल रही है तो ये भी थोड़ा जानकारी दीजिए कि आई को क्या प्रोत्साहन के स्वरूप क्या पुरस्कार वगैरह भी मिले आ, उसकी भी जानकारी मिले थोड़ा सबसे बड़ा तो पुरस्कार जो किसानों की मुस्कुराहट होती है महिलाओं की जो खुशी होती है वो मिलती है लेकिन उसके साथ साथ संस्था को एक राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान जो मिलता है तो ये सम्मान संस्था के साथ साथ तो उन गरीब तबके की महिलाओं पुरुषों उन सबके लिए है जो इसमें भागीदार हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी एक समिति है प्रक्षेत्र की सहकारी समिति करैया इसको राष्ट्रीय स्तर इस इस पर इंदिरा प्रिय दर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार मिला जी, था जी, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है तो मैं इस पुरस्कार कहूंगा कि ये पुरस्कार हमारे जो ग्रामीण लोग थे जो महिलाएं थी उनकी लगन से हमें सफल म, म, मिला हमें बिल्कुल आपका काम और आगे इसी तरह से बढ़ता रहे और हमारी जो आई एफ संस्था है वो किसानों के लिए इसी तरह काम करती रहे यही हम चाहते हैं सर पर्सनली तौर पर हम व्यक्तिगत तौर पर आपसे जानना चाहेंगे काफी लंबा समय हो गया है आपका इस क्षेत्र में काम करते हुए आपने क्या देखा है आपका क्या व्यक्तिगत अनुभव रहा है देखिए मैंने पिछले करीब पच्चीस साल मैं संस्था के लिए काम मैं काम कर रहा हूँ और मैंने देखा कि अगर हम किसानों के साथ या ग्रामीणों के साथ अगर उनके साथ मिलकर काम करते हैं तो एक तो आपको बहुत सम्मान मिलता है लोग आपको बहुत इज्जत देते हैं मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब मैं नहीं। नहीं। ऐसे क्षेत्र में काम कर रहा था दुर्गम क्षेत्र में जाता हूँ और वहां के जब बुजुर्ग लोग मैं जब जाता हूँ बुजुर्ग लोग सागर में आप जानते हैं कि पान बहुत ज्यादा फेमस है सुपारी बहुत तो है। जब वो बुजुर्ग लोग आपको पान और सुपारी ऑफर करते हैं तो मुझे लगता है कि वास्तव में इन्होंने हमें जोड़ लिया है जी जी तो ये एक सम्मान लगता है कि नहीं नहीं हम नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन जो गाँव में लोगों के लिए भले के लिए कुछ किया तो उनका जो सम्मान मिलता है वो मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए आत्मसंतुष्टि जो आपको मिल रही है वो ज्यादा जरूरी भी है आई की भविष्य में क्या योजनाएं हैं किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप आ, हमारा प्रयास यह है कि हम अधिक से अधिक क्षेत्र में जो जल संरक्षण का कार्यक्रम लेकर के आएंगे और दूसरी जो हमारी फोकस जो मुख्य हमारा विचार जा रहा है कि जो बीज उत्पादन का कार्यक्रम है इसको हम बड़े स्केल पे लेंगे जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका उत्पादन अच्छा होगा और उनकी जो आमंदनी है वो अच्छी बढ़ेगी ये हमारी भविष्य की योजना है जिसको हम मूर्ति रूप देने का कार्यक्रम सेमिनार और सभाओं के बारे में भी थोड़ी बहुत अच्छा कि क्यों, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं अगर वो किसान के बीच तक नहीं जाएंगे तो किसी पता नहीं चलेगा तो नहीं। 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 उसके लिए हमारे विभिन्न तरह के आ, किसान दिवस आयोजित किए जाते हैं प्रशिक्षण किए जाते हैं मृदा परीक्षण का कार्यक्रम लिया जाता है सेमिनार किए जाते हैं एक और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे किसानों को हम एक जहां अच्छे कार्यक्रम हुए हैं वहां ले जाकर के एक्सपोजर विजिट पे भी लेके जाते हैं जिससे कि उनको तकनीकी ज्ञान मिलता है और वो सीधे किसान से बातचीत करके वहाँ की नई तकनीकी जानकारी लेकर के अपने यहाँ अपनाने का काम करते हैं तो विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो कि हमारे किसानों तक पहुँच पाएंगे मुझे उम्मीद है कि इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचेंगे और उनको नई तकनीकी और आई एफ द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों तक हम पहुँचाने में सफल रहेंगे जी तो डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतनी अच्छे तरीके से पूरा विस्तृत बता दिया आई के काम और इफ़को द्वारा आप जिस तरह से संचालित करते हैं आप हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद किसान भाइयों आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब से सुनी कि आप अब समझ गए होंगे कि आई और इफ़को मिलकर किसानों के लिए कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं कार्यक्रम में अब वक्त है खबरें खेती जानने का तो आइए देखते हैं खबरें खेती की नमस्कार किसान भाइयों खबरें खेती में आपका स्वागत है आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को गेहूं खरीदी का मिलेगा अवसर फसल का फोटो व्हाट्सएप पर भेज बीमारी का निदान करवाएं पशुओं में तिल्ली बुखार उपयोगी यंत्र स्ट्रॉरी पर और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बुधवार को देवास में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देवास जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी इसके लिए पूरी कार्य योजना बनाई गई है नए उद्योग जिले में खोले जाएंगे यहां दो करोड़ रुपए की राशि आगामी पाँच वर्षों में उद्योगों की स्थापना में व्यय की जाएगी इससे तीस युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा उन्हें समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का अवसर दिया जाएगा प्रदेश की महिलाओं ने कोरोना काल में दो करोड़ मास्क और साबुन एवं पीपीई किट बनाए स्व सहायता समूह की महिलाओं को स्कूली बच्चों के गणवेश बनाने का अवसर दिया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों का पोषण आहार बनाने के लिए जो कारखाने स्थापित किए जाएंगे उनका संचालन वह स्व सहायता समूह की महिलाएं ही करेंगी फसल का फोटो व्हाट्सएप पर भेज बीमारी का निदान करवाएं। मंत्री श्री पटेल किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि किसान बंधु कीट व्याधि का फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर मोबाइल पर ही अब निदान के उपाय जान सकते हैं। उन्होंने गत दिवस मंगलवार को हरदा में प्रदेश की प्रथम फसल ओपीडी का शुभारंभ करते हुए यह बात कही मंत्री श्री पटेल ने हरदा में सैतीस लाख बारह हजार की लागत से नव निर्मित कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासकीय भवन का शुभारंभ भी किया श्री पटेल ने कृषि विज्ञान केंद्र कोलीपुरा हरदा में संबोधित करते हुए किसानों से कहा कि कृषकों को उनकी फसल में लगने वाली कीट व्याधि की पहचान तथा त्वरित उपचार के उपाय मोबाइल पर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की पहली ओपीडी का शुभारंभ किया जा रहा है उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक गाँव में किसान चौपालों का आयोजन कर फसल ओपीडी की जानकारी प्रदान करें किसानों की फसलों में लगने वाली कीट व्याधियों से संबंधित समस्याओं का समाधान चौपालों में ही करें श्री पटेल ने कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि अधिकारियों को रबी एवं खरीफ की फसलों में लगने वाली बीमारियों एवं उनके उपचार बाबत कैलेंडर तैयार करने के निर्देश भी दिए मंत्री श्री पटेल ने कृषकों से अनुरोध किया कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए धीरे धीरे रासायनिक खेती को जैविक खेती अंतरित करें श्री पटेल ने निर्देशित किया कि सभी जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र फसलों के उपचार के लिए फसल ओपीडी को शीघ्रता से आरंभ करें पशुओं में तिल्ली बुखार पशुओं में तिल्ली बुखार जिसको हम एंथ्रेक्स के नाम से भी जानते हैं इस रोग से पशु खाना पीना बंद कर देता है उसे तेज बुखार आता है पशु को बेचैनी होती है उसे चक्कर आता है पशु ज्ञाबिन हो तो उसका तक हो सकता है पशु के प्राकृतिक भागों से लाल रंग का न जमने खून गाड़ा निकलता है इसी तरह के लक्षण अपने पशुओं में दिखे तो हर महीने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर टीकाकरण करवाए और अगर लगातार तीन वर्षों तक पशु में रोग आने पर रोगी पशु को अन्य पशुओं से तुरंत अलग कर दें तथा पशु चिकित्सक की सलाह लें उपयोगी यंत्र स्ट्रॉरी पर किसान भाइयों कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की फसल की कटाई के बाद खेत में 8 से 12 इंच लंबे डंठल शेष रह जाते हैं परंतु स्ट्रॉरी पर के उपयोग से कटाई के बाद फसल के अवशेष से भूसा बनाया जा सकता है जिससे एक एकड़ में 8 से 10 क्विंटल भूसा प्राप्त होता है तथा इससे एक घंटे में एक एकड़ की कटाई की जा सकती है इस यंत्र के प्रयोग से लगभग रुपए तीन हजार से तीन हजार पांच सौ प्रति एकड़ का लाभ होता है किसान भाई इस यंत्र का लाभ जरूर उठाएं। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना एक पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा कृषि उपज मंडी समिति का एक प्रसार है ई नामक पोर्टल सभी कृषि उपज मंडी समिति से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन कीमतों व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल हैं। और अब मौसम आधारित कृषि सलाह किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आम की फसल पर मैंगो हॉपर का प्रयोग जनवरी से मार्च तक होता है इस कीट के वयस्क हरे भूरे रंग के होते हैं जिससे शरीर पर काली व पीली रेखाएं होती हैं इस कीट के शिशु लाल रंग के साथ सफ़ेद आंख वाले होते हैं जो बाद में पीले रंग के हो जाते हैं ये कीट पत्तियों तथा तो फूलों का रस चूसते हैं जिसके कारण फल व फूल झड़ने लगते हैं साथ ही ये कीट एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्तियों पर फैल जाता है और बाद में इस पर काली फफूंद उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण उत्पादन प्रभावित होता है इस कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा की दो मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर दो से तीन छिड़काव पंद्रह से पंद्रह दिन के अंतराल पर करें तो किसान भाइयों खबरें खेती में बाजार इतना ही अब आप नजर रखिए क्रा, कार्यक्रम कृषि दर्शन पर और मुझे दीजिए आज्ञा नमस्कार तो ये रहा आज का हमारा कृषि दर्शन का कार्यक्रम जिसमें हमने जानकारी दी आपको आई की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आपके सुझाव आपके सलाह के लिए हम आपके पत्रों का इंतजार करेंगे हमारा पता नोट कीजिए कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निर्देशक दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स पिन है चार छः दो शून्य एक तीन अब हमें दीजिए अनुमति स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार